Assalamu alaikum, dear students and viewers. You are watching my YouTube channel Iroquim. Today we will discuss halohydration of alkene. Aaj hum alkene ka ek important chemical reaction hai, which is called halohydration. To halohydration ko hum discuss karenge. Ab hum aate hain, what is halohydration? Isko hum define karte hain. Simple isko hum is tarah define kar sakte hain. Addition of hypohalous acid. Addition of hypohalous acid across the double bond is called a halohydration. ये addition reaction है जहाँ पे हम hypohalous acid को alkene में add करते हैं. अगर आप देख लिए hypohalous acid, इसको हम represent करते हैं HOX. ये जनरल फार्मूला है हाइपोहेलिस एसिड का. ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हेलोजन है. अगर यहाँ पे हेलोजन अटैच है HOCl, तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं हाइपोक्लोरस एसिड. तो यहाँ पे फिर रिएक्शन को हम कहेंगे क्लोरोहाइड्रेशन. अगर हमारे पास कंपाउंड है HOBr, द कंपाउंड इज कॉल्ड ब्रोमो हेलिस एसिड. यहाँ पे ये हमारे पास क्लोरो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये हाइपोब्रोमस एसिड. और अगर हेलोजन अटैच है आयोडीन, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं हाइपो आयोडिस एसिड कहते हैं. यहाँ पे हम अगर हाइपोक्लोरस एसिड ऐड करते हैं, हाइपोब्रोमस एसिड ऐड करते हैं या हाइपो आयोडिस एसिड ऐड करते हैं, तो रिएक्शन जनरल हम नाम देते हैं हेलोहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. यहाँ पे आप देखिए, हम टिपिकल एक द सिंपलेस्ट मेंबर लेते हैं अल्कीन सीरीज का, और उसमें हम हाइपोब्रोमिस एसिड, हाइपोक्लोरिस एसिड या हाइपो आयोडिस एसिड की एडिशन करते हैं. तो यहाँ पे वी विल टेक, ये हमारे पास एक अल्कीन है विच इज कॉल्ड इथीन. ये इथीन है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह हाइपोहेलिस एसिड इसमें ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, द अल्कीन इज सिमेट्रिकल. ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा इट विल बी ओनली वन प्रोडक्ट. इसमें हम ऐड करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड ऐड करते हैं. इफ यू सी हियर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है. इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, और हेलोजन पे हम पुट करेंगे पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग होती है. क्लोरीन टेक इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है. जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, क्लोरीन विल बी अटैच टू द कार्बन. और यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसकी ब्रेकिंग होगी. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय ऑक्सीजन एटम. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन विल बी अटैच टू द कार्बन, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, इसको हम कहते हैं. आर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनियम आयन. और यहाँ पे हमारे पास बनेगा हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा. अभी यू सी हियर के कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है. This carbon will take electron from hydroxide. ये electron देगा carbon को. जब carbon को electron देगा, तो हमारे पास product बनेगा CH2Cl और CH2OH. अभी this compound is called halohydrin. इस compound को हम कहते हैं, यहाँ पे चूंकि chlorine है halogen की जगह, तो इसको हम कहते हैं chlorohydrin. ये क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हेलोजन एटम एंड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स. अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन मौजूद हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, तो फिर इस किस्म के कंपाउंड को हम नाम देते हैं हेलोहाइड्रिन्स. यहाँ पे चूंकि यू सी हियर, हमारे पास हेलोजन मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है,
तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं क्लोरोहाइड्रिन. अगर आप इसको ओपेक नाम देते हैं तो यहां पे यू सी हियर कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 है 2 है. कार्बन नंबर 1 पे हैलोजन क्लोरीन आ दीजिए तो इसको हम कहते हैं 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी इथेन. तो ये कंपाउंड का ओपेक नेम है. जनरली इसको हम क्लोरोहाइड्रिन्स, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, हेलोहाइड्रिन्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हैलोजन एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड हेलोहाइड्रिन्स. यहां पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एसी एल्कीन्स है व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको हम टू इक्वल हाफ्स में अक्रॉस द डबल बॉन्ड डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहां पे अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइपोहेलिस एसिड की एडिशन करते हैं, द एडिशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल. फिर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होता है इस केस में. यहां पे हम ऐड करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड हम लेते हैं. तो यहां पे आप देखिए ये पोलर रिएजेंट है. वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शियल पॉजिटिव व्हाइल अदर पार्ट इज पार्शियल नेगेटिव. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल द पॉजिटिव पार्ट विल बी अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग greater number of hydrogen atom. तो यहाँ पे आप देखिए this carbon carries 2 hydrogen atoms और इस carbon के साथ attached है सिर्फ एक hydrogen. तो यहाँ पे ये जो positive part है it will be attached to this carbon atom. chlorine carbon number 1 के साथ attached होगा, hydroxyl group will be attached to the carbon number 2. हमारे पास product बनेगा यहाँ पे according this addition take place according to मार्कोनिकोफ rule. तो यहाँ पे hydroxyl group is attached to this carbon while chlorine is attached to यहाँ पे चूंकि जिस carbon के साथ ज्यादा number hydrogen attached हो उसके साथ positive part. तो यहाँ पे chlorine positive है, it is attached to the carbon चूंकि यहाँ पे ये जो carbon है it carries 2 hydrogen और इस कार्बन यू सी हियर इट कैरीज 1 हाइड्रोजन. तो ये जो मार्कोनिकोफ रूल है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जब हम पोलर रिएजेंट को या पोलर मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करते हैं द नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहां पे हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, पॉजिटिव पार्ट विल बी अटैच टू द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये अगर आप देख ली ये एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन, दिस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अब हम आते हैं साइक्लिक एल्कीन्स लेते हैं और वहां पे देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होता है. तो यहां पे हम साइक्लिक एल्कीन्स को लेंगे और उसमें हम हाइपो हेलिस एसिड को ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक कंपाउंड लेते हैं, ये हमारे पास साइक्लिक एल्कीन्स है और ये जो कार्बन है इट इज सब्स्टिट्यूटेड कार्बन. इसमें अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड को ऐड करते हैं तो यहां पे आप देख लीजिए दिस कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन पे जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है. तो ये क्लोरीन यहां पे आएगा, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर. तो हमारे पास यहां पे आप एक बात ध्यान में याद रखिए कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट विल बी अटैच्ड टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम. तो यहां पे ये दो कार्बन है, इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. इफ यू सी हियर इस कार्बन के साथ इट कैरीज ओनली 1 हाइड्रोजन. तो कार्बन यहां पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट विल बी अटैच्ड टू दिस कार्बन और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इट विल बी अटैच्ड टू. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा द प्रोडक्ट विल बी यहां पे इमिथाइल ग्रुप, यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा एंड क्लोरीन इज अटैच्ड हियर. तो यहां पे ये जो कार्बन है कार्बन नंबर 2 इसके साथ क्लोरीन अटैच होगा. Our hydroxyl group is attached to the more substituted carbon atom. Thank you for watching my YouTube channel.